तो दोस्तों का फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर विंडोज 10 में कीबोर्ड ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसे कैसे हम ठीक करते हैं। ठीक है, तो देखिए उसके लिए हम जाएंगे डिवाइस मैनेजर पे। डिवाइस मैनेजर जाने के लिए हम सर्च ऑप्शन में यहां पर लिखेंगे डिवाइस मैनेजर। ठीक है, आप सेटिंग में भी जाकर के डिवाइस मैनेजर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, यहां हमने देखिए डिवाइस मैनेजर लिखा सर्च ऑप्शन में और ऊपर देखिए डिवाइस मैनेजर का ऑप्शन आ गया, बस इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो डिवाइस मैनेजर का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये देखिए डिवाइस मैनेजर का पेज आपके सामने यहां ओपन हो रहा है। अब यहां पर हमें सर्च करना है कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड आपको यहां देखिए सर्च करना होगा। तो ये रहा आपका कीबोर्ड। ठीक है, ये रहा आपका कीबोर्ड। अब कीबोर्ड के बगल में देखिए छोटा सा एक एरो दिख रहा है यहां पे, बस इस पर क्लिक कर दीजिए। तो नीचे देखिए ऑप्शन आपको ये शो कर रहा है। ठीक है, स्टैंडर्ड PS/2 कीबोर्ड। ठीक है, ये बेसिकली कीबोर्ड का ड्राइवर है। तो बेसिकली हमें कीबोर्ड के ड्राइवर को अपडेट करना है। ठीक है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहां पर जब राइट क्लिक करेंगे तो ये देखिए अपडेट ड्राइवर का ऑप्शन आपके सामने शो हो रहा है। ठीक है, बस इस पर क्लिक कर दीजिए तो आपके सामने छोटा सा विंडो ओपन होगा। अब इसमें आपको दो ऑप्शन शो कर रहा है, सर्च ऑटोमेटिकली फॉर अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर, दूसरा ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर सॉफ्टवेयर। तो हम पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये इंटरनेट से कनेक्ट है, मतलब इसके लिए हमें इंटरनेट चाहिए होता है। जब आपका इंटरनेट ऑन होगा तभी ये ऑप्शन आप मतलब यूज कर सकते हैं क्योंकि ये ऑनलाइन सर्च करेगा। ठीक है, तो बस इस पर क्लिक करिए और ये देखिए ऑनलाइन यहाँ पे सर्च होना शुरू हो गया। अब देखिए इसने शो करके मतलब सर्च करके बता दिया द बेस्ट ड्राइवर फॉर योर डिवाइस हैज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। मतलब जो बेस्ट ड्राइवर हो सकता है मेरे डिवाइस के लिए वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मतलब इंस्टॉल्ड है इसमें। अगर मान लीजिए कि कोई कुछ नया आया है, कोई नया अपडेट आया है, तो इसको वहां से इंस्टॉल कर देगा और कीबोर्ड आपका प्रॉपरली काम करने लग जाएगा। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है जिसके थ्रू अपना कीबोर्ड आप ठीक कर सकते हैं। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम होती है, हो सकता है कुछ और सेटिंग हो या कुछ और दिक्कत हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको रिजॉल्व करने की। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।